हाय गाइस, वी आर बैक। और आज की वीडियो में इंडियन है, इटालियन है, क्या क्या है बताओ। दोनों ही है यार, इंडियन भी है, इटालियन भी। पता क्या बात थी, हमने अमृतसरी खाया, पंजाबी फूड बहुत सारा दिखाया, पर ये चीज ना, ये जो फॉरेन घूमने की तमन्ना है ना, वो हमारी इच्छा अधूरी थी, ख्वाहिश अधूरी है। देवी और सज्जनों, बारिश होकर हटी है, दिन है सुहाना, पास्ता है खाना, तो देर नहीं लगाना, जल्दी जल्दी खाना, वीडियो करते हैं शुरू फटाफट। तो ये गोपाल भाई व्हाइट पास्ता बना रहे हो ना, बना लिए। अभी इसमें इनकी सॉसेज आ गई, वेजिटेबल्स आ गई है, काफ़ी थिक ग्रेवी आएगी। और थिक होगी या कैसे आती है? ये पास्ता आ गया, कॉर्न्स आ गए। ये चीज़ कौन सा सर? मोज़रेला चीज़। तो पहले आपने डाला, वो आपका इन हाउस चीज़ है, यहाँ का बना हुआ है, ये मोज़रेला। इसमें काफ़ी आपने हर्ब्स और स्पाइसेस डाले हुए हैं। और एक अनिल भैया फ्रेश डो गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं हमारे लिए। ये डो रेडी हो रहा है गार्लिक ब्रेड का। ये किस चीज़ का डो है? चीज़ आ गया बीच में, मोज़रेला चीज़ है। हाँ जी, ठीक है। कॉर्न्स आ गए बीच में, अलापिनोस, ग्रीन अलापिनोस। चीज़ आ गया, चीज़ ब्लेंड है ना, इक्वल चीज़। अच्छा, फोल्ड हो जाएगा ये। ओके, वो एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग हो गए पीस। ओके, अब थोड़ा लुक आ गई गार्लिक ब्रेड की पूरी। ये बेक करने के लिए बटर लग रहा है ऊपर थोड़ा। ये क्या, सीधा ओवन के अंदर। जब तक गार्लिक ब्रेड लग रही थी हमारी, हमारे साथ यहाँ के ओनर है मिस्टर हर्ष। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ का पास्ता लुधियाना में हाईएस्ट रेटेड पास्ता जोमेटो पे, तो ये बात सही है। अच्छा, हमारा पास्ता 4.5 रेटिंग का है जोमेटो स्विगी दोनों पे। अच्छा, 4.5 रेटिंग आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल जोमेटो। तो यार आप खुद भी चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड पास्ता यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। प्रॉपर स्क्वायर स्लाइस आएगा इसमें ना? हाँ जी, ये स्टफिंग आएगी। हाँ जी, स्टफिंग है इसमें। अच्छा, ये दोनों आपस में एक सैंडविच की तरह बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये फिर क्रम्स में जाएगा? हाँ जी, क्रम में जाएगा। फिर तो ये तो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। हाँ, क्रिस्पी होगा तो खाना भी बढ़िया लगेगा। इसी करके गर्म लगाने से क्रिस्पी होगा। इसमें सर कितने मिनट लग जाते हैं बनने में? 5 हल्का टाइम लग जाता है। सबसे पहले आपको देते हैं आज का फूड इंट्रो, की हमारे टेबल पे है क्या क्या। सबसे पहले आप इधर आओ, ये दी स्टफ्ड पनीर, और साथ में गार्लिक ब्रेड्स, इनकी इन हाउस गार्लिक ब्रेड है, ये डो भी यहाँ पे बना है। और फिर आता है रेड सॉस पास्ता, एकदम थिक ग्रेवी रेड सॉस पास्ता। और ये सबसे हाईएस्ट रेटेड लुधियाना का वाइट सॉस पास्ता। गार्लिक ब्रेड आपको चेक करवाते हैं कि इसमें स्टफिंग क्या क्या, आप चेक करो। वाह, ये आ गई गार्लिक ब्रेड। कॉर्न्स है इसके अंदर, मोज़रेला है, अलापिनोज है, और इनके स्पाइसेस हैं काफ़ी। इसको खोल के देखते हैं, चीज़ पूल आता है, थोड़ा ठंडा हो गया तो चीज़ पूल आया नहीं अभी। ये चीज़ी डिप है साथ में, डिप के साथ टेस्ट करते हैं इसको। अभी एक ब्रांड है, वो नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, बट वहाँ पे ना इस चीज़ की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है, और उनकी कॉस्टिंग उसके हिसाब से बहुत कम है, और टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आ रहा है।
चीज़ थोड़ा इसमें मेरे को ज़्यादा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये एक्चुअल में ऐसी डिशेज है ना जो हम सोचते हैं कि सिर्फ ब्रांडेड जगह पे ही बढ़िया मिलेगी, दूसरी जगह हम कई बार ट्राई भी नहीं करते कि नहीं यार वैसी थोड़ी मिल जाएगी, पर नहीं, ये आपको ट्राई करनी बनती है। ये आ गया हमारा पास्ता। ये जब बन रहा था ना, मेरे मन में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि यार 4.5 रेटिंग दी है हमारे लुधियाना वालों ने, इतना क्या पसंद आया उनको इसमें। तो मेरा बड़ा दिल था कि यार मैं भी देखूँ खा के कि इसमें है क्या ऐसा। ग्रेवी है ना जो इसकी पास्ता की, बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो चेक करो ये, वाह, थोड़ा ठंडा हो गया। आप जब आओगे गर्मा गर्म खाना, चीज़ पुल बहुत बढ़िया आएगा इसका। अब ये पास्ता मैंने थोड़ा सा प्लेट में डाल दिया, अब चेक करते हैं एकदम कैसा स्वाद है इसका। एक थोड़ा फूडी सा बना लिया मैंने ना, पिरामिड सा अपना। जब फूड बहुत बढ़िया होता है ना, अभी मुंह में होता है पर स्माइल पहले ही आ जाती है। ये वो चीज़ है, चीज़ ही है ये एक्चुअल में ना, चीज़ है ये। इतना मतलब थिक ग्रेवी है ना इसकी, और इतना बढ़िया स्वाद है इसका। मतलब पूरा ग्रेवी अंदर तक भरी हुई है, इतनी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ी है। अगर आपको चीज़ पसंद है ना तो ये चीज़ आपके लिए है। और उसकी तरह ही सेम इसका भी प्राइस नॉर्मल ब्रांड से ना। हाँ, अब मुझे पता लग रहा है खा के कि इसकी रेटिंग 4.5 क्यों है। मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा हो जानी चाहिए। वेरी नाइस, दोनों चीज़ों के मेरे तरफ से 10 में से 10 नंबर। अब दो चीज़ें डाउन हो गई, गार्लिक ब्रेड का भी आपको स्वाद बता दिया, वाइट पास्ता का भी बता दिया। पनीर कार्तिक का गहरा रिश्ता है, वही दिखाएगा, और रेड सॉस पास्ता भी उसी से करवाते हैं। प्लेसमेंट बदल चुकी है, मेरी बारी टेस्ट नहीं थी। और ये हमारे सामने है स्टफ्ड पनीर, जिसमें बहुत सुंदर प्लेटिंग करी गई है। और ये फूल है टमाटर का, गुलाब मत समझना। तो साथ में है ये पास्ता, बट द पास्ता सीधा इसको करते हैं हम सर्व अपनी प्लेट में। 4.5 रेटिंग वाला ये पास्ता, थोड़ा पास आके देखो है तभी आपको ना समझ आएगा। ये देखो, सो नाइस, सो स्मूथ, आराम से, शानदार। लुक्स सो टेम्पटिंग, मुंह में ज़बरदस्त पानी है सर। प्लेट हाथ में पकड़ते हैं, थोड़ी आपको अच्छे से टेस्ट रिव्यू देते हैं। ओह, पानी इतना है ना, बाइट स्पून बड़ा बन नहीं रहा। टू यम, इतना स्मूथ, इतना क्रीमी, इतना ज़्यादा क्रीमी पास्ता है ना। और अगेन जो भैया ने बात बोली, टक्कर देता है ब्रांड्स को। नशा है नशा, मतलब मुंह में डालो एंड इट स्टार्ट मेल्टिंग। ज़्यादा आपको च्यू करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग ऑन इट्स ओन। तब ये आता है हमारा प्यार। ये देखो पास से इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ आपको, इतना मोटा पनीर का पीस है, अंदर ये स्टफिंग है, और इनके साथ में डिप है। ये क्रम्स बहुत अच्छे से लगे हुए, बहुत अच्छे से कोट हुआ है सारा कुछ, वेरी नाइस। फर्स्ट बाइट,
अचानक मेरा चेहरा खिल गया होगा। सिग्नेचर डिश बट एट इट्स बेस्ट। एक बार स्टफिंग देखो आप, और इस स्टफिंग में भी ना ज़्यादा स्टफिंग पनीर के साथ ही ब्लेंड की है, उनके कुछ सीक्रेट स्पाइसेस जो हम रिवील नहीं कर सकते और इन्होंने हमें रिवील किया। बट दिस थिंग यार, अगर मैं नॉनवेज खाता होता ना और मैं इसके पीछे नॉनवेज छोड़ देता, दिस इज सो मच गुड। मेरी तरफ से अगर 4.5 इसको मिल जाए ना, तो ये चीज़ और ये प्लेट उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है, कहीं ज़्यादा गाइस। बहुत लाजवाब है जो जायका है ना, ये जायका लुधियाना का आपको मिलेगा नहीं ऐसा। अगेन सिर्फ सही है चैनल पे। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है हम वो दिखाते हैं, आपको प्राइसिंग बताते हैं फटाफट। तो मैंने खाया वाइट सॉस पास्ता, ये है 100 रुपये का। और मैंने खाया स्टफ़ गार्लिक ब्रेड जो पूरी ख़त्म ही कर दी, एक ही पीस बचा है, ये है 120 रुपये की। तो ये तो हो गया मेरा। और सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और मैंने जो खाया दैट इज़ द रेड सॉस पास्ता एंड इसकी प्राइस है 90 रुपीज़। एंड दिस थिंग इश्क है, तो मैंने भी टेस्ट किया, मज़ा आया। इसकी प्राइस है बट 150 रुपये, और इतना हैवी और इतना सही था ना ये, तो आपको क्या बताऊँ इस चीज़ के बारे में, तो खा के पता चलेगा। और अभी लोकेशन आपको बता देते हैं, लोकेशन में सामने आपको उधर दिखेगा दरेसी ग्राउंड है, उधर मेन दरेसी ग्राउंड, वहाँ से रोड आ रही है। और रोड यहाँ पे आते हुए आपको इसी साइड में उसी रोड पर है, ये शिवपुरी रोड पर आपको साइड में दिख जाएगा। एक बार यहाँ से भी दिखा दो पीछे से भी, ये आपको दिख जाएगा किंग्स फूड गैराज बिल्कुल कवल बेकरी के सामने हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके बाय। फूल है टमाटर का, गुलाब का मत समझना, आशिकू खाने का अपना मत समझना। मुझे अपना समझना कोई नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स हो आप, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए आपको।